प्यारे बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम सुरेश कुमार है। आपका क्या नाम है? मैं कैथल रहता हूं। आप कहाँ रहते हो? अच्छा, आपने अपना नाम बता दिया है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं संज्ञा और उसके भेद। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा से हमारा तात्पर्य किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम से, अर्थात वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम का बोध कराए, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। कार्तिक दिल्ली में रहता है, मुंबई फिल्मी नगरी है, लाल किला प्रसिद्ध इमारत है, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, गंगा पवित्र नदी है, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदी है, क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है, सुरेश घोड़े की सवारी करता है। जो ये रेखांकित पद हैं, जो रेखांकित शब्द हैं, कार्तिक, सुरेश, घोड़ा, ब्रह्मपुत्र, नदी, गंगा, लाल किला, इमारत, मनुष्य आदि, ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं, किसी विशेष जाति को प्रकट करते हैं, किसी गुण, दोष, भाव आदि को प्रकट करते हैं। जो रेखांकित शब्द हैं, यही संज्ञा कहलाते हैं। एक बार फिर देखिए, व्यक्तियों के नाम हमने रेखांकित पदों में पढ़े थे। कार्तिक, सुरेश, ये व्यक्ति विशेष के नाम है। व्यक्ति विशेष के नाम संज्ञा कहलाएंगे। शहर या किसी जगह या स्थान के नाम, जैसे हमारे रेखांकित पदों में जयपुर आया था, दिल्ली आया था, ये संज्ञा है। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि आदि, ये सभी नदियों के नाम हैं, ये संज्ञा कहलाएंगे। जाति विशेष, शेर, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये एक विशेष जाति को प्रकट करते हैं। इसमें मनुष्य भी शामिल हो सकता है, तो ये भी संज्ञा है। भाव, मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे आप चित्र में क्रोध का भाव देख रहे हैं, गुस्से का भाव देख रहे हैं, प्रेम, घृणा आदि, इस प्रकार के जो भाव हैं, गुण है, दोष है, वो संज्ञा कहलाएंगे। अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, यौवन, जो इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें मनुष्य या किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था दर्शाई जाए, वो भी संज्ञा है। गुण, ईमानदारी, सत्य, झूठ, ये भी संज्ञा कहलाएंगे। तो अब हमने क्या देखा कि संज्ञा के अंदर विशेष व्यक्तियों के नाम देखे, इमारतों के नाम देखे, नदियों के नाम देखे, जगह विशेष के नाम देखे, मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव पढ़े, उसके गुण दोष पढ़े और उसकी अनेक अवस्थाओं के बारे में हमें पता चला। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध कराए, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, अब हम इन पर चर्चा करते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से आप हमारी स्लाइड में देख रहे हैं, संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष प्राणी के नाम के बारे में, किसी इमारत विशेष का नाम या किसी जगह विशेष का नाम,
का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम पहले भी जान चुके हैं कि व्यक्ति विशेष के नाम सुरेश, महेश, महक, कार्तिक और आपका नाम। इमारतों में यदि हम बात करें, लाल किला, चार मीनार, ताजमहल, स्थान या शहरों की यदि हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और आपका गांव या शहर। प्राणी विशेष के नाम भी संज्ञा कहलाएंगे। जैसे हाथी, हाथी में एक एरावत नाम का हाथी हुआ है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम कामधेनु गाय की बात करें, कामधेनु गाय एक विशेष गाय का नाम है, चेतक एक विशेष घोड़े का नाम है। यानी कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष आदि का जो बोध कराते हैं उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी विशेष वस्तु या प्राणी का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, कौवा, बच्चा, घोड़ा, हाथी, नदी, मनुष्य, खिलौना आदि। जो शब्द हैं, जो आपने शब्द देखे, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, मेज, ये एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करवाते हैं, ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। यदि हम बच्चे की बात करें तो बच्चा एक व्यक्ति नहीं बल्कि इस एक विशेष वर्ग, आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो बच्चे कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि हम हाथी की बात करें तो हमारे जेहन में, हमारे दिमाग में पूरी हाथी जाति हमारे दिमाग में आ जाती है। यदि हम घोड़ा शब्द का प्रयोग करें तो हमारे सामने घोड़े का चित्र उभरता है। यदि हम चेतक शब्द का प्रयोग करते हैं तो चेतक यदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमारे जेहन में महाराणा प्रताप के एक विशेष घोड़े का चित्र हमारे सामने अंकित हो जाता है। यदि मैं मनुष्य की बात करूं तो पूरी मनुष्य जाति हमारे सामने आ जाती है। यदि मैं व्यक्ति विशेष अर्थात आपका नाम पुकारूं या आपका नाम लूं तो आप एक विशेष व्यक्ति हुए, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि मैं पूरी मनुष्य जाति की बात करूं, पूरे प्राणी जगत में हाथी की बात करूं, घोड़े की बात करूं, मेज की बात करूं तो ये एक विशेष जाति का बोध कराएंगे, इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य या पदार्थों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, सोना, ऊन आदि। समूहवाचक जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना, टीम, दल आदि। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है यह एक जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो हमारे पदार्थ हैं उनका बोध होता है, और समूहवाचक संज्ञा में हमें पूरे एक समूह का बोध होता है, जिसमें दल की बात आई है, टीम की बात आई है, कोई भी एक ग्रुप की बात है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है, किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या उसकी अवस्था, तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, चोरी, सत्य, मिठास, सुगंध आदि, ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना करते हैं। जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा
एक विशेष जाति को प्रकट करते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा उस जाति में से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। एक बार सूची की ओर देखिए, जातिवाचक संज्ञा में बालक, स्त्री, नगर, कुत्ता, नदी, पर्वत। बालक यदि हम कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा, यदि बालक किसी विशेष व्यक्ति का नाम जैसे कार्तिक तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्री यदि हम कहें वह जातिवाचक संज्ञा, यदि हम स्त्री विशेष का नाम लें वह जैसे निशा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि नगर यदि हम कहेंगे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, और नगर विशेष का यदि हम नाम लेंगे जैसे दिल्ली वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, यदि हम किसी पद में कुत्ता शब्द का प्रयोग करेंगे वह जातिवाचक संज्ञा होगी, जैसे मैंने घर में एक कुत्ता पाला है उस कुत्ते का नाम है टोमी, यदि मैं टोमी कहूँगा तो एक विशेष कुत्ते की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। आपने भी घर में कुत्ता पाला होगा, उस कुत्ते का क्या नाम है? हाँ, यदि आप उसको उस नाम से बुलाते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यदि हम नदी कहेंगे वह जातिवाचक संज्ञा है, यदि हम गंगा, सरस्वती आदि नदी का विशेष नाम लेंगे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, और हिमालय, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से आपने देखा व्यक्ति विशेष का नाम, जगह का नाम, नदी का नाम, पर्वत का नाम, पशु विशेष का नाम, यदि कोई विशेष नाम रखा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यदि पूरी जाति को वो शब्द प्रकट करता है वह जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, अब हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। बालक, बालकपन, भयानक, भय, देव, देवत्व, वीर, वीरता, मूर्ख, मूर्खता, काला, कालिमा, प्यासा, प्यास, हरा, हरियाली। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के जो गुण है, दोष है, अवस्था है आदि जो प्रकट करते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से बनाई जा सकती है। जैसे हमने पढ़ा बालक, बालपन, यह है इसकी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से हमने आज संज्ञा, उसके भेद, जातिवाचक के दो भेद, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।